तो सवाल एक अगला ये सवाल था कि आज के समय में एक आम आदमी के मन में और समाज में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो 25 साल इंडस्ट्री होने के बावजूद आपको ऐसा क्यों, आपको आपका क्या ओपिनियन, मतलब ये है कि ये निगेटिविटी है क्यों, आम आदमी निगेटिव क्यों हमारी इंडस्ट्री से है? देखिए, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं और ये बेसिक चैलेंजेस कोई ऐसा नहीं है किसी ने जानबूझ के पैदा किए हैं। जब भी कोई चीज़ नई होती है और उसमें इनिशियली स्टेज पे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप एक काम कर लीजिए, आप कोई मशीन बनाइए, पहली बार बनाइए, वो थोड़ी सी कमज़ोर मशीन बनेगी, फिर उसे बनाइए और अच्छी बनेगी, फिर उस पर काम कीजिए और अच्छी बनेगी। एक टाइम आएगा आप जो मशीन की प्रोडक्शन चाहते हो वो अचीव कर लोगे, वो मशीन बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी, लेकिन वो बहुत स्टेजेस से गुजरने के बाद उस लेवल पे जाएगी। आज आप हिंदुस्तान जो मिसाइल्स बना रहा है उनकी बात कर लीजिए, स्टेज वन स्टेज टू, आज आप ऐसे ही मिसाइलें बनती हैं, पहले वाले की अक्षमता कम होती है, दूसरे वाले की बढ़ जाती है, अगले वाले की और बढ़ जाएगी उसके, ऐसे ही इंडस्ट्री की अक्षमता भी स्टेप टू स्टेप बढ़ेगी। लेकिन चैलेंज क्या है, नेगेटिविटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम लोगों ने इनिशियली पहले 25 साल में कुछ बहुत बेसिक गलतियां की हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों ने। पहली चीज़, हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स की इंडस्ट्री बना दिया है कि लोग बेचने वाले जितने ज़्यादा होंगे, जितनी बड़ी टीम होगी उतना आपकी सेल ज़्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को मैं जानता हूं, कुछ एक कंपनीज दावा करती हैं कि उनके पास 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर हैं, 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो टर्नओवर इंडस्ट्री का, आज तक जब एक कंपनी के पास 2 करोड़ 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इंडस्ट्री का टर्नओवर आज भी पूरी इंडस्ट्री का मिला के 15,000 करोड़ एनुअल क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब आप इसका जवाब ढूंढ लोगे तो आपका जो सवाल है कि इस इंडस्ट्री से लोग नेगेटिव क्यों है उसका जवाब मिल जाएगा। पहली चीज क्या है, अगर आपके पास 2 करोड़ सेलर है किसी एक कंपनी के पास, डायरेक्ट सेलर है, तो इसमें आप ये समझिए 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर अगर महीने का 1,000 रुपये का भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, क्योंकि कंपनीज के पास बास्केट की तो कोई कमी नहीं है, FMCG भी है, वेलनेस भी है, पर्सनल केयर भी है, होम केयर भी है, किचन केयर भी है, बहुत कुछ है जी बिल्कुल। कोई 200 प्रोडक्ट पे काम कर रही है, कोई 500 प्रोडक्ट पे काम कर रही है, कोई 400 450 600 700 800 प्रोडक्ट पे काम करने वाली कंपनी भी हो सकता है आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिल जाए। इतनी बड़ी प्रोडक्ट बास्केट, इतने ज्यादा बेचने वाले, और उसके बाद इंडस्ट्री इतनी छोटी सी क्यों है? रीजन बहुत सिंपल है साहब, आपने पूरे का पूरा जोर जो है वो बेचने वालों पे लगा दिया है, डायरेक्ट सेलर्स बनाने पे लगा दिया है, कस्टमर्स बनाने की तरफ आपका दिमाग ही नहीं गया है, कस्टमर्स की तरफ आपने सोचा ही नहीं है। कस्टमर जब तक इस इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये इंडस्ट्री बड़ा ग्रो नहीं कर सकती। और आप ये सोचिए, आपके पास 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, ये 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1,000 रुपये का भी प्रोडक्ट परचेज करते तो आपका जो मंथली टर्नओवर है वो 2,000 करोड़ का मंथली टर्नओवर किसी कंपनी का हो सकता है। बिल्कुल सही सर, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ दीजिए, 2 करोड़ कस्टमर भी अगर आपकी कंपनी के पास होते और वो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट भी खरीदते तो 2,000 करोड़ महीने का टर्नओवर हो सकता है। बिल्कुल सही राइट। मैं कह रहा हूँ 20 लाख कस्टमर भी हैं और 1,000 रुपये का प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हैं, Yes. तो ये कहां चला जाएगा? यानी कि आपके पास 20 लाख कस्टमर नहीं है और आप दावा करते हैं कि मेरे पास 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर है। प्रॉब्लम समझिए, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बेचने वालों के इर्द गिर्द ताना बाना बुन के चली गई है, कस्टमर की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, कस्टमर को किसी ने फोकस ही नहीं किया। और जब तक कस्टमर नहीं आएगा, बेचने वाले जितने ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा फेलियर रेशियो निकल के आएंगे, क्योंकि आपके पास बेचने वाले 10 है, ग्राहक 2 है, तो किसको मिलेगा? 1 या 2 को मिलेगा, बाकी 8 लोग क्या करेंगे? बाकी 8 लोग तो स्ट्रगल करेंगे टू गेट द सेल। अब वो सेल ही नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बताइए पॉजिटिविटी कहां से आएगी? आपने करोड़ों डायरेक्ट सेलर जोड़ दिए लेकिन ग्राहक आपकी इंडस्ट्री के पास लाखों हैं। अब वो जो सरप्लस डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके हाथ में सेल कहां से आएगी? और सेल नहीं आएगी तो क्या होगा? सर बिल्कुल सही, आपने मुझे आपकी वो बात याद आ रही है जब आप शुरुआती दौर में मुझसे बोलते थे कि अखिलेश जो डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्कर ही बायर है, रियल में बायर या कंज्यूमर है ही, नेटवर्कर ही कंज्यूमर है, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन अभी समझ में आ रहा है कि रियल में नेटवर्कर भी दोस्तों कैलकुलेशन का बायर नहीं है। यानी ये मंथन का विषय है कि जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है रियल में वही बायर नहीं है,
यदि ऐसा होता तो यदि कोई कंपनी 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का दावा करे और 50 लाख लोग सिर्फ 2000 की परचेजिंग दोष करे तो भी उनका 1000 करोड़ महीने तक का टर्नओवर जा सकता है, जो नहीं जाता। यानी कि रियल में बायर कंज्यूमर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं। आपका आप मुझे एक बात बताइए, सेलर को तो आपने बायर बनने के लिए बोला ही नहीं, आपने उसे क्या कह के लायो कि यू आर माई डायरेक्ट सेलर, यू आर माई डिस्ट्रीब्यूटर? Yes, और अब गोल्ड और ग्राहक होगा तो ही तो वो माल खरीदेगा आपसे। जी बिल्कुल सही है, ग्राहक है ही नहीं वो आपसे माल क्यों खरीदेगा? और वो आपका ग्राहक क्यों बने, उसके पीछे की वजह बताओ। इसलिए कि उसने आपका सेमिनार देखा, इसलिए कि आपने उसकी ट्रेनिंग देखी, इसलिए कि आप उसने किसी की कार देखी। नहीं साहब, इससे आप किसी को टेम्परेरी सेल कर सकते हो, परमानेंट कस्टमर नहीं बना सकते, क्योंकि आप उसे सेलर कह के लाए हो, आप उसे डायरेक्ट सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना के लाए हो। वो आपका परमानेंट कस्टमर कैसे बन सकता है? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी तो उसी दिन ब्रेक हो जाती है जब वो चार लोगों से बात करता है और उसमें से उसको चार के चार मना कर देते हैं और फिर वो अगले चार को करता है, फिर कोई एक आध मानता है। बेसिकली क्या है, इस बिजनेस को ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स बनाने के चक्कर में नेगेटिविटी की तरफ धकेल दिया गया है। उन्हें लगता है कि भैया ग्राहक अब कस्टमर सेंट्रिक जब तक आप नहीं होंगे, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक आपकी इंडस्ट्री कस्टमर सेंट्रिक नहीं होगी। जो कंपनी कस्टमर सेंट्रिक होने की बात करती है उस पर तो कहा जाता है साहब ये तो पता नहीं कौन से देश की बात कर रहे हैं, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, ये तो सूरज से आए हैं, ये तो चांद से आए हैं, ये तो मंगल ग्रह से आए हैं, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। आप हम बेचेंगे थोड़े, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे। मुझे आज तक यही नहीं समझ में आई ये स्मार्ट वर्क अकेले जी होता क्या है। When you are into selling business, ये smart work होता क्या? मुझे ये लगता है smart work वो होता है कि 2-4-5 साल सेल बिल्ड करने के बाद, कस्टमर बेस बिल्ड करने के बाद, अपनी सेल्स फोर्स को बिल्ड करने के बाद, जब आपके साथ जीवन में कोई ऐसा वक्त आ जाए जब आप 6-8 महीने या 2-4 महीने काम नहीं कर पाए, तो उस वक्त आपकी सेल जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करे, उस वक्त आपकी सेल जो है मेंटेन रहे, इसका मतलब है आपने स्मार्ट वर्क किया, यू बिल्ड ए सेल। सर आपने मेरा एक क्वेश्चन कवर कर लिया कि अक्सर लोग बोलते हैं कि सर हम प्रोडक्ट सेल करने इस इंडस्ट्री में नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करने आए हैं, तो ये सेलिंग वेलिंग मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपने पहले कवर कर लिया। मुझे एक बात बताओ, स्मार्ट वर्क क्या करे? बिल्कुल सही है। क्या क्या स्मार्ट वर्क करे? वो बोलते हैं बेचो मत, लोग जोड़ो। लोग जोड़ो, वो लोग क्या करेंगे जब वो खरीदेंगे नहीं और बेचेंगे नहीं? उन लोगों को जोड़ के करोगे क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ, जुड़ो जोड़ो जीतो की जो है वो आज के समय में बहुत आउटडेटेड कॉट है। वो जुड़ो जोड़ो जीतो का जो फिलोसफी है वो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग में फिट नहीं बैठती है। यहां सिंपल है, अगर आपको जीतना है तो बिल्ड ए सेल। जब तक आप सेल बिल्ड नहीं करेंगे, बिल्ड कस्टमर बेस, जब तक आप कस्टमर बेस बिल्ड नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। स्मार्ट वर्क एक ही है, स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं जो आज मेहनत करके और कल आपके फ्यूचर को ईजी करते, उसे स्मार्ट वर्क नहीं कहते जो आज ईजी हो और भविष्य में जाके टफ हो जाए। क्योंकि जो आप जुड़ो जोड़ो जीतो की बात कर रहे हो वो भविष्य में सैचुरेट होता चला जाएगा, लेकिन कस्टमर बेस अगर आज आपने बना लिया वो कभी सैचुरेट नहीं होगा। हिंदुस्तान में 136 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, कस्टमर बेस है, इसमें से अगर आप 1% भी लेंगे तो 1,36,00,000 कस्टमर बन सकते हैं, उसका आधा परसेंट भी लोगे तो ऑलमोस्ट 68,00,000 कस्टमर बन सकते हैं। मैं कहता हूं ये भी मत लो, आप 50,00,000 का कस्टमर बेस बिल्ड कर ले कोई कंपनी और एक कस्टमर ऑन एन एवरेज कोई 200, कोई 400, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000 का प्रोडक्ट खरीदे, ऑन एन एवरेज अगर 2000 का भी प्रोडक्ट बिके तो 50,00,000 के कस्टमर बेस के साथ आप 1,000 करोड़ महीने का टर्नओवर कर सकते हो, और यही एक्यूरेसी है। दोस्तों ये मंथन का विषय बन सके, फिर से बोलूंगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास में 20,00,000 लोग भी हैं तो दोस्तों कंज्यूमर छोड़ो, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर वो खुद कंज्यूमर नहीं है। और जब तक दोस्तों ऐसा होता रहेगा, बिलीव करो इंडस्ट्री कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। जब इंडिया में ऑलरेडी कंपनीज पहले से थी तो ऐसा क्या रीजन रहा कि आप अपनी कंपनी खोलने का आपके दिमाग में ख्याल आया? मेरे दिलो दिमाग में इतने साल से एक सवाल हमेशा से चलता रहा, पहला कंपनी टू कंज्यूमर अगर ये कॉन्सेप्ट है तो यहाँ प्रोडक्ट का रेट महंगा क्यों हो जाता है?